सापड़ा जी, अब थोड़ा सा टाइम आप कहें तो बाकी लोगों को दे दूं। आज सापड़ा जी बड़े मूड में है। अगर मेरे पास समय दो घंटे का होता सापड़ा जी, मैं आपको एक घंटा देता। आज आप बहुत फॉर्म में दिख रहे हैं। सारिका पासवान, पहले आपके साथ दो घंटे चर्चा करने के लिए तैयार। डन, मुझे मालूम है। निकाल लीजिएगा कभी समय, आइएगा अगली बार, फिर चर्चा दिल्ली में यही स्टूडियो में करेंगे। सारिका पासवान, ये कैसी चेतावनी, कैसी चुनौती है? हमारी सरकार आएगी तो हम मोदी जी को जेल भेजेंगे? देखिए मानव जी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला जो है ना, कुछ सामान्य घोटाला नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का माया जाल, और रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। 20 कंपनियां तो ऐसी हैं जिनको खुले में भी 3 साल से कम के समय हुआ है, और नियम के तहत 3 साल से कम पुरानी कंपनियों को पार्टी को चंदा देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन कंपनियों के पीछे आखिर कौन सी शक्ति? दुनिया में ये पहला घोटाला है जिसके लिए की संसद में कानून बनाया। सारिका, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, रुकिए, ठीक करवा रहा हूँ उसको। आपकी आवाज मुझे मिल नहीं पा रही है। पूरे देश के तंत्र को भ्रष्टाचार के माया जाल में बदल दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, और मजेदार तो बातें ये हैं कि वो कंपनियां जिनकी की खुद कंपनियां घोटाले में जा रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दिया। तो देखिए मानव जी, ये देश जो है ना, संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कानून से चलता है, ये देश में लोकतंत्र जिंदा है। अब अगर ये पार्टियां जो पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज, और जिस तरीके से इन्होंने तमाम चीजों को, तमाम मशीनरीज का दुरुपयोग किस तरीके से वे अपने विपक्षों के प्रति कर रही हैं, तो आखिर आज जो विपक्ष में है वो तो सीख रहा है ना। कल वो जब उसी सत्ता में बैठेंगे, काबिज होंगे, तो उन्हें भी तो समझ में आएगा कि इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से षड्यंत्र करके अपने विपक्षियों को फंसाने का प्रयास किया, किस तरीके से वो लगातार अपने विपक्षियों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को का डर और धमकी दिखा करके वो अपने पार्टियों में शामिल कर रहे थे। और स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी की पितृ पार्टी आरएसएस है, उनके प्रमुख मोहन भागवत जी ने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनकम टैक्स, ईडी का डर दिखा के अपने विपक्षियों को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि अपने पार्टी में शामिल कर रही है। हालांकि इसके पीछे उनका कहने का मंशा यही था कि वो पार्टियां जो डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, वो कभी भी दिल से इनके साथ शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन कर तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, जो स्वीकार किया। सारिका, ओके सारिका, थोड़ा दोहरा दीजिए ना जो मीसा भारती ने कहा कि जब आपकी सरकार आएगी तो क्या होगा। नहीं मानक जी, मैंने कहा ना आपको कि ये जो वक्त का पहिया है ना, वो निरंतर घूमता रहता है, और सत्ता किसी के लिए अनंत और शाश्वत नहीं है। अब अगर जो भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही नियम और कानून को तोड़ा है, वो तो संविधान को मानते नहीं है, कोर्ट कचहरी को वो नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए हम लोग जो है ना, हम तमाम विपक्षी और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की जो भी दलें हैं ना, वो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और उस हद तक तो नहीं जा सकते जो भारतीय जनता पार्टी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, सिर्फ नेतृत्व से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचारियों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर आज मैं तो कहती हूँ आपके लाइव डिबेट में, मुझे आप ना 2 घंटे के लिए आप दे दीजिए ना पावर, देखिए मैं तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल में डालवा देती हूँ, क्योंकि इतने भ्रष्टाचारी हैं जो सारे के सारे आज भाजपा में बैठे हुए। 2 घंटे में कैसे डाल दीजिएगा बताइए? सारिका, सारिका 1 सेकंड, 2 घंटे में कैसे डाल दीजिएगा? क्योंकि पहले जांच एजेंसी को सबूत जुटाना होता है, हफ्ते महीने लगते हैं उसमें। आप 2 घंटे में कह रही हैं, मतलब आप दुर्भावना से काम करेंगी सरकार आ गई तो? नहीं नहीं दुर्भावना से नहीं, तमाम जांच रिपोर्ट तो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के पास है, फर्क यही हो गया है जांचें चल रही है, पेंडिंग में है, रुकवा दी गई है, बस उनपे फेयर जांच शुरू करवा देनी है। मानव जी सारे तथ्य सबूत जो है ना ऑलरेडी है। ओके समझ गया, मैं समझ गया, ओके मैं समझ गया मनोज सिंह काका। उसके